हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आईसाइट। वैसे आज उत्तराखंड में हमारा तीसरा दिन है और अभी हम आए हैं देवर या ताल लेक, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। और पीछे जो माउंटेन रेंज है, प्यारी सी माउंटेन रेंज, उसमें सबसे हाईएस्ट पीक है केदारनाथ मेन। और ये जो ट्रैक है वो हमने कंप्लीट कैसे किया, इसके अलावा और दो डेस्टिनेशन है, उखी मठ और धारी देवी टेम्पल। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस शानदार सफर को एंजॉय करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि देवता इस जिल में स्नान करते थे, इसलिए यह नाम पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस जिल का निर्माण भीम ने किया था, जो पांडवों में सबसे मजबूत थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। और सबसे बुद्धिमान युधिष्ठिर ने भीम को यह जिल बनाने का सुझाव दिया था। भैया कितने लेते हो ऊपर जाने का? ऊपर जाने का कितने लेते हो? 700 रुपये ऊपर और रिटर्न आने का, दोनों का 1200। तो करीबन 15 मिनट के ट्रैक के बाद यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, वहाँ पे हम रुके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और यहाँ का लोकल ड्रिंक ट्राई करेंगे। और यहाँ से आपको चंद्रशिला पीक भी दिख रहा है, जिसका नज़ारा बहुत ही प्यारा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और बाद में ट्रैकिंग फिर से शुरू करेंगे। सच में सबको एक बार ये ट्राई करना चाहिए, बहुत मस्त है। What do you say, girls? It's really nice. First. देखो सबसे अच्छी बात इस ड्रिंक की ये है ना, फ्लावर्स में बनता है। अंकल ये कौन से फ्लावर होते हैं? ये बुरांस होते हैं। इधर देखो लाल। नहीं, नाम क्या होता है? बुरांस, वो लाल लाल आ रहा है नीचे लाल। तो बुरांस फ्लावर होते हैं रेड कलर के, और एक पेड़ होता है उसपे बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर होते हैं, उसमें से ये ड्रिंक बनता है, जो हिमाचल एंड उत्तराखंड का एक लोकल ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक आप कह सकते हो, और थोड़ा स्वीट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस ट्रैक पे हम उस व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से करीबन 1 किलोमीटर जितना ही ट्रैक बाकी है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप में जो गर्ल्स है, एक तो गर्ल्स मतलब मोना करके एक गर्ल्स है, वो तो काफ़ी आगे जा चुकी है, और वैदे जो साहस दिखा रही है, आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि हमारे ग्रुप में 7 मेंबर्स थे, उनमें से हम 4 लोग ही ये ट्रैक कर रहे, और उनमें से वैदे ही काफ़ी एनर्जी दिखा रही है और बहुत अच्छे से ट्रैक कर रही है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आप ट्रैक नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो डू एनी ट्रैक। तो फाइनली 2 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं देवर या ताल लेक, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और इसके बिल्कुल सामने है हिमालयास माउंटेन रेंज, जिसका नज़ारा आई मस्ट से दैट एवरी वन शुड एंजॉय दिस व्यू, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा और मनमोहक नज़ारा है, वाव। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज और देवरिया ताल लेक और भी नज़दीक से। देखो देवरिया ताल लेक के 200 या 300 मीटर पहले 3-4 रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन हमें एक बंदे ने रास्ता बताया कि आप यहाँ से ही जा सकते हो, तो हम उस रास्ते से चले गए। वहाँ पे बहुत सारे कैंप हैं, तो उसने, मुझे लग रहा है कि उसके मार्केटिंग के चक्कर में हमें गलत रास्ते पे चढ़ा दिया। वैसे यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, उनसे बात करते हुए पता चला कि जो सीधा रास्ता है, मतलब जो आपको देख के ही पता चल जाएगा यही रास्ता होना चाहिए, आप उसी रास्ते से आगे बढ़ना और अपनी मंजिल मतलब देवरिया ताल लेक तक पहुंच जाओगे। तो कोई बात नहीं, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अभी हम हैं लेक के ऊपर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लेक है और हम लेक के ऊपर है, तो हमें पूरा घूम के हुए वापस जाना पड़ेगा लेक के नीचे की ओर। वहाँ हम बैठेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो ड्रोन फ्लाई करके यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाएंगे।
तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आराम कर सके, रेस्ट कर सके, वहाँ पहुँचते हैं। द लेक इज नोन फॉर इट्स वाइड 360 डिग्री पैनोरमा, माउंटेन्स लाइक जोखंबा, नीलकंठ, बंदरपूज, केदार रेंज एंड कालानाग कैन बी व्यू फ्रॉम हियर। देयर एग्जिस्ट अनदर रूट फ्रॉम देवरिया ताल टू टूनाथ which is mainly used for night camping, jungle trekking, etc. But right now, let's enjoy few beautiful aerial views of this lake and surroundings. तो देवरिया ताल लेक पे करीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया, यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह किया, फोटोग्राफी की और बहुत सारा एंजॉय किया और मेमोरी भी क्रिएट की। वैसे हमारे ग्रुप में 7 मेंबर्स थे लेकिन अभी हम 4 मेंबर ने ही ये ट्रैक कंप्लीट किया है। इनमें प्रीत भाई है, वैदेही एंड मोना। तो हमें सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप भी इस ट्रैक पे आना चाहते हो तो ट्राई करना कि अर्ली मॉर्निंग आओ। अभी हमारा समय हो चुका है वापस जाने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वापस जाने के लिए। तो अभी हम रिटर्न जा रहे हैं इस ट्रैक कंप्लीट करके, और हमारे ग्रुप मेंबर मोना, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हम जो 4 लोग हैं उसमें सबसे आगे लड़की चल रही है, तो हम जानते हैं उससे कि उसको ये ट्रैक कैसा लगा। या इट्स अ ब्यूटीफुल लेक ओवर हियर, अ बिट डिफिकल्ट ट्रैक फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव स्टैमिना, सो आई वुड लिटरली रिक्वेस्ट यू गाइस कि यहाँ पे आओ, पानी की बॉटल्स, अपना खाना वाना थोड़ा साथ लेके आना, एनर्जी ड्रिंक लेके आइए आप, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू गाइस। एंड या डेफिनेटली ट्रैक सबके लिए वर्थ इट ही है, तो इट्स रियली वर्थ इट, थम्स अप फॉर दिस। यस, और ये वही रास्ता है जहाँ से हमें गुमराह किया गया था। तो ये देख लो, 2-3 बोर्ड वगैरह हैं, इससे आपको यहाँ से ऊपर नहीं जाना, सीधे रास्ते से ही जाना है, सो मेक श्योर अबाउट इट। तो चलिए जल्दी से वापस जाते हैं क्योंकि नीचे जाने में ऐसे भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हमारे 3 दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं, लेट्स गो फास्ट। करीबन हमने 2 बजे रिटर्न आने के लिए ट्रैक स्टार्ट किया था और फाइनली हमने ये ट्रैक 3 बजे के आसपास कंप्लीट कर लिया है। ये देवरिया, ये जो ट्रैक है देवरिया ताल लेक ट्रैक, काफ़ी खूबसूरत था, अमेजिंग व्यूज़ थे और सराउंडिंग व्यू तो इतने अच्छे थे कि आप वहाँ पे थोड़ी देर जरूर टाइम स्पेंड करने वाले हो। वैसे अभी 3 बज चुके हैं, लंच का भी टाइम हो चुका है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो सबसे पहले हम कुछ लंच में खाएंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। भी बनाते हैं, ये हल्दी है क्या? हाउ इज इट? फैंटास्टिक। How's it? It's really very good. देखो आपको पता है ये क्या है? ये है लेमन, मतलब नींबू, पहाड़ी नींबू, देखिए कितना बड़ा है और एक खट्टा भी इतना होता है, सच में अमेजिंग। तो अभी हम आ चुके हैं उखी मठ, जहाँ पे ओमकारेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे केदारनाथ की पालकी मतलब कि गादी को रखा जाता है और यहाँ पे आप विंटर की सीजन में आप दर्शन कर सकते हो। हमने दर्शन भी कर लिए काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई क्राउड नहीं था, कोई पब्लिक नहीं थी, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया भगवान के पास। लेकिन अब हमारा समय हो चुका है आगे जाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ जो आउटसाइड लोकेशन है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो चलिए साथ में इस पवित्र जगह को देखते हैं। उखी मठ भारत में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक छोटा सा शहर और एक हिंदू तीर्थस्थल है। यह 1311 मीटर की ऊंचाई पर और रुद्रप्रयाग से करीबन 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर मंदिर में से मूर्तियों को उखी मठ लाया जाता है और यहां 6 महीने तक पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बाणासुर की बेटी उषा
और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह यहीं संपन्न हुआ था। उषा के नाम पर इस स्थान का नाम उषामठ पड़ा, जो अब उखी मठ के नाम से जाना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष। तो धारी देवी टेम्पल श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में जो गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ एक हिंदू मंदिर है। वैसे उस मंदिर में जो उपला आधा हिस्सा है मूर्ति का, वो वहाँ इस मंदिर में, और जो निचला आधा हिस्सा है वो काली मठ में काली माता के रूप में पूजा जाता है। उठी मठ से वहाँ तक पहुँचने में करीबन 65 किलोमीटर क्रॉस करते हुए हमें 2 घंटे जितना टाइम लगा, और तब तक अंधेरा भी हो चुका था और मंदिर भी बंद हो चुका था। तो हम तो वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे जरूर दर्शन करना। और हम करीबन रात के 10 बजे ऋषिकेश में हमारी जो कैंप साइट है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऋषिकेश के कुछ बेहतरीन प्लेसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट share and subscribe to our channel.